हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच बोर्ड कनेक्शन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह मेरे पास बॉक्स है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इसको किस प्रकार कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको इंडिकेटर को बैठा चुके हैं और तीन सॉकेट का इस्तेमाल करें, जो कि ये पिन का सॉकेट है, ये 6 एम्पियर का सॉकेट है। तो इसमें हम आपको किस प्रकार इसको कनेक्शन करेंगे इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, तीनों हम सॉकेट को बिठा चुके हैं और इसमें तीन स्विच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें हम एक स्विच का एक सॉकेट से कनेक्ट रहेगा और तीन स्विच है तो तीनों का अलग अलग स्विच रहेगा दोस्तों। तो इसमें आपको हम इसको पूरा जानकारी देंगे कि आप इसको किस प्रकार कनेक्शन कर सकते हैं और आप इससे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको फिटिंग कर चुके हैं। फिटिंग करने के बाद दोस्तों, इसमें हम आपको कनेक्शन करके बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको पलटा चुके हैं और एक स्विच और एक सॉकेट, एक स्विच एक सॉकेट और एक इंडिकेटर को इसमें लगाए दोस्तों, और इसमें आपको हम कनेक्शन करके। वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं, इस तरह हमने उसमें सॉकेट के अंदर सॉकेट में एन और एल लिखा हुआ रहता है दोस्तों। एन वाले न्यूट्रल फेस है, एल वाले गर्म फेस है। तो हम इसमें एन वाले को मिला देंगे दोस्तों सीरीज में, एक दूसरे से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको एक दूसरे से वायर को कनेक्ट करते हैं और इसमें एक इंडिकेटर के पास भी ले जाएंगे। जैसे कि हम इसमें हम वाइट कलर का वायर को यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझाना आसान हो और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, इस तरह हमने वायर को यहाँ से आप कनेक्ट कर सकें, एक दूसरे से लिंक कर चुके हैं दोस्तों। अब इससे हम सॉकेट के तीनों एयर के साथ और एक इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर दिए दोस्तों। तो इस प्रकार इसको हम पहले वायर को कनेक्ट करेंगे, जो कि हम इसमें वाइट कलर का वायर को लगाएं दोस्तों। अब इसके बाद हम सॉकेट के एल वाले भाग पे कनेक्ट करेंगे और एक एल से एक स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। या तो आप नीचे वाला भी टर्मिनल पर कर सकते हैं या तो ऊपर किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। हम इसमें ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं, इस तरह हमने तीन वायर ले चुके हैं और इसके साथ एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे होते हैं, ये वन वे स्विच है दोस्तों। टू वे स्विच में तीन सॉकेट पॉइंट रहते हैं और वन वे में दो पॉइंट रहते हैं। तो ये वन वे स्विच है, तो देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको सॉकेट और स्विच के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार हम दूसरे को कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो आप इसको अच्छी तरह से कनेक्ट कीजिएगा और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार हम इसको कनेक्ट करेंगे। चलिए, हमने दो सॉकेट और स्विच में कनेक्ट कर चुके हैं, अब तीसरे वायर के साथ तीसरे सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह आपको कनेक्ट करना है दोस्तों। अब मेरे पास सॉकेट और स्विच के साथ कनेक्शन हो चुका है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक वायर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके साथ स्विच के साथ हम तीनों वायर कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से लिंक करेंगे। जैसे कि हमने न्यूट्रल को लिंक किए थे एक दूसरे से कनेक्ट, उसी प्रकार हम एक दूसरे से तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं, इसमें हम ब्लैक वायर को यूज कर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह आपको कनेक्ट करना है। जैसे कि आप स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि हमने दो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर चुके हैं और तीसरा इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों। अब इसमें जो एक वायर हम कनेक्ट किए थे, इस वायर को इंडिकेटर के ऊपर वाले भाग में डाल देना है। जैसे कि एक वायर को हम नीचे वाले में डाले थे और एक में हम ऊपर वाले में डाल देंगे, ताकि उसके अंदर एक गर्म फेस और एक न्यूट्रल फेस चला जाए, ताकि इंडिकेटर काम करे। तो इस तरह आपको इसमें कनेक्शन करना है दोस्तों। अब इसमें हम एक दो वायर लेंगे, अलग अलग कलर का वायर लेंगे और इसमें हम एक न्यूट्रल बनाएंगे और एक गर्म फेस बनाएंगे दोस्तों। तो इस तरह आपको इसको कनेक्ट करना। आप
स्विच के कहीं से एक वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देख सकते हैं, हमने ब्लैक वायर को साथ एक वायर कनेक्ट करें जो कि ये गर्म फेस हमने बनाया था दोस्तों, इसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर दे रहे हैं जो कि ये मेरा गर्म फेस है, हम इसमें ब्लैक वायर को यूज कर दिए हैं। तो इस तरह आप इसको, अब एक हम इसको न्यूट्रल फेस लेंगे। न्यूट्रल फेस कहाँ से लेंगे, जो वाइट कलर का वायर था दोस्तों उसमें आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। आप कोई भी सॉकेट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं है। जैसे कि हमने एल वाले में आप जहाँ पे उसका कनेक्शन गया वहाँ आप कहीं भी इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने दोनों वायर को कनेक्ट कर चुके हैं दोस्तों, इस तरह हमने बोर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पे छेद करके इसको वायर को बाहर निकालेंगे और आप इस तरह बोर्ड बना सकते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।